हाथापाई हुई थी। इसी बात से नाराज जो विपक्ष है, जिसमें पुलिस द्वारा चार लोग थे, जिसमें पुलिस के अवैध निर्माण करा रहे थे, एसडीएम सब करेंगे ना, पुलिस कैसे परेशान कर। दिनांक 19/11 की रात में 10 बजे के आसपास एक नमन नाम के 16 वर्षीय बालक, जिसके पिताजी भाजपा के एक नेता हैं, उनकी हत्या का मामला सामने आया था। इस बात को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश था, तो पुलिस स्तर से कप्तान साहब के एसएसपी के निर्देशन में पुलिस तो पूरी फोर्स एसपी सिटी ग्रामीण देहात और सीओ खैर के निर्देशन में पूरी टीम लगी हुई थी, और पुलिस ने 24 घंटे में इस घटना का पूरा खुलासा कर दिया है। जो घटना का क्रम ये है कि इसमें एक शादी में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें हाथापाई हुई थी, और इसी के चक्कर में दूसरा पक्ष जो अभियुक्त पक्ष है, जिसमें चार लड़के थे जो शराब के नशे में थे, इन्होंने नमन को अपने घर के आसपास अकेला देखते हुए वहीं घात लगा के बैठे हुए थे, और उससे हाथापाई करते हुए उसको दो गोली चलाकर मार दिया। पुलिस ने उसमें से अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया, और उनके पास आए 3 तमंचे बरामद कर लिए गए हैं, और इनके पास 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद कर दी गई है। 4 अभियुक्त सागर जो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। ये सर जो 3 पकड़े गए, इनका पुराना भी कोई इतिहास? नहीं, इनके पास कोई पुराना इतिहास नहीं है। ये डीजे बजाने को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था, और रंगदारी के चलते इन्होंने आपस में उस पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इनके पास से कट्टे बरामद हुए हैं, और उस फंक्शन में तो कम से कम ये लेके ही गए थे, और उस पर न्योते पे गए थे, इसलिए गए तो न्योते पे ही थे, लेकिन अपने पास ये तमंचे रखे हुए थे, और रंगदारी आपस में वही है, बड़ा दिखाने के चक्कर में इन्होंने उसको गोली से मार दिया गया था। पुराना कोई क्रिमिनल इतिहास इनका नहीं है।